डॉक्टर साहब, बच्चे की डिलीवरी 22 जनवरी को ही होनी चाहिए। भले ही सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन बच्चे का जन्म तो 22 जनवरी 2024 को ही होना चाहिए। बच्चे का जन्म उस वक्त होना चाहिए जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जा रहा हो। इस वक्त ये अपील उन सैकड़ों गर्भवती महिलाओं की है जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही अपने घर में बच्चे की किलकारी सुनना चाहती हैं। यूपी, MP, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां प्रेग्नेंट महिलाएं और उनके परिवार वाले डॉक्टर पर दबाव बना रहे हैं कि बच्चे की डिलीवरी 22 जनवरी 2024 को ही होनी चाहिए। महिलाओं का कहना है कि उनकी डिलीवरी की डेट 22 जनवरी से पहले हो या बाद में, लेकिन उनके बच्चे का जन्म उस शुभ दिन पर ही होना चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ना हो तो सिजेरियन ऑपरेशन किया जाए और बच्चे की जन्म की तारीख तय कर दी जाए। उधर मेडिकल साइंस और डॉक्टरों का कहना है कि सिजेरियन ऑपरेशन की मदद से बच्चे की जन्म की तारीख 1 या 2 दिन आगे पीछे जरूर की जा सकती है। हालांकि कुछ केसेस में ऐसे करने पर माँ और बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। ऐसे मामलों को पूरी गंभीरता से देखा जा रहा है। माँ बाप राजी हैं और एक तय तारीख पर बच्चे का जन्म चाहते हैं, बस इसको देखकर ही बच्चे का जन्म नहीं किया जा सकता और जान के साथ खिलवाड़ भी नहीं किया जा सकता। सब चीज़ों को देख परखने के बाद भी जितनी महिलाएं इस वक्त अस्पताल पहुंच रही हैं, उन सबको संभालना और समझाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। देखिए, कई गर्भवतियों की जनवरी माह में डिलीवरी एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित है कि डिलीवरी हो, तो कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका ऑपरेशन से पहले बच्चा हुआ होता है, दूसरा ऑपरेशन हम लोग प्लान करके करते हैं। तो जिनकी इस तरह से प्लानिंग है, वो सब चाह रहे हैं कि 22 तारीख को उनका ड्यू डेट रखा जाए और सबकी अपेक्षा है कि शुभ मुहूर्त में रामलला उनके भी घर में आए। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे में राम जी के गुण हों, ना कि रावण के। तो एक संस्कारित और शुभ मुहूर्त में पैदा हुआ बच्चा सबकी इच्छा है। तो कई गर्भवती माताओं ने अपनी ये इच्छा व्यक्त की है। हमारी भी इच्छा है कि रामलला उस दिन आ रहे हैं तो हमारा जो बच्चा हो वो भी उसी दिन हो, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि राम जी जैसा ही बच्चा हो उनका। तो सबकी इच्छा यही होती है, तो मेरी भी यही इच्छा है। इस पूरी प्लानिंग में ज्योतिष की भी बड़ी मान्यता है। ज्योतिष गुरुओं के मुताबिक 22 जनवरी की तारीख बेहद शुभ है। इस तारीख पर पैदा होने वाली संतान माँ बाप की आज्ञाकारी संतान होगी। 22 जनवरी 2024 का दिन करोड़ों राम भक्तों के लिए बेहद खास होने वाला है। पूरे देश में उत्साह है, जोश है, उमंग है। हर घर में दिवाली बनाने की तैयारी हो रही है। ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। ऐसे में दंपत्ति भी इस दिन को अपने लिए और यादगार बनाना चाहते हैं। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए कई महिलाएं अभी से अस्पताल में एडमिट हो गई हैं। परिवार वालों ने डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट ले ली है और बस 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी को बच्चों की डिलीवरी करवाने की होड़ मच गई है। ये बात सरकार के संज्ञान में भी है। इसी के चलते कुछ खास इंतजाम भी किए गए हैं। बात करें यूपी की, तो यूपी के कई सरकारी अस्पतालों में लेबर रूम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लेबर रूम में रोजाना 14 से 15 बच्चों का जन्म होता है, मगर इस बार जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए एक दिन में 30 ऑपरेशन करने की तैयारी की गई है। अभी तक लड़का पैदा होता था तो कहते थे कि बेटा हुआ है, और लड़की होती थी तो कहते थे कि घर में लक्ष्मी आई है। हालांकि 22 जनवरी के लिए ये भाषा थोड़ी बदल गई है। अगर लड़का होगा तो उसे राम कहकर बुलाया जाएगा, और अगर लड़की होगी तो उसे जानकी कहकर बुलाया जाएगा। प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके परिवार वालों का कहना है कि हमारी पुश्तें भगवान राम को सालों से पूछती आई हैं। राम जैसा स्वरूप किसी का नहीं है, और भाग्य की बात होगी कि 22 जनवरी 2024 के दिन हमारे घर रामलला का आगमन होगा। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।